दूरदर्शन पर प्रसारित कुछ यादगार धारावाहिक और उससे जुड़े कलाकारों पर आधारित हमारे पहले एपिसोड का जिस तरह से आप सभी ने स्वागत किया और इसे जारी रखने का आदेश दिया, यकीनन इससे हमारी टीम का हौसला भी बढ़ा और यह भी महसूस हुआ कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। आप सबकी डिमांड पे प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी, जिसमें हमने चुना है 90 के दशक में प्रसारित एक बेहद ही सफल धारावाहिक जिसका नाम है फरमान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारी खास श्रृंखला क्लासिक सीरियल्स ऑफ दूरदर्शन, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ष 1994 में दूरदर्शन पर प्रसारित बेहद चर्चित धारावाहिक फरमान के बारे में। निर्माता गुल आनंद और फिल्म और टेलीविजन के जाने माने निर्देशक लेख टंडन जी द्वारा निर्देशित धारावाहिक फरमान, जो कि लेखिका राफिया मजरूम अमीन के उपन्यास आलम पनाह पर आधारित था। महज 14 एपिसोड में बने इस धारावाहिक की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दूरदर्शन ने समय समय पर कई बार इसका पुनर्प्रसारण किया है। धारावाहिक की शुरुआत में लेजेंडरी गायक भूपेंद्र सिंह जी की दमदार और भावपूर्ण आवाज में गाई गई गजल दिल को छू जाती है और इस गजल को लिखा था गीतकार के राजदान जी ने। हर दिल को सुनाते हैं फरमान, फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का। और इसे संगीतबद्ध किया था संगीतकार किशोर देसाई जी ने। दोस्तों, धारावाहिक फरमान की कहानी है एक नौजवान अनाथ लड़की एमन बीबी की, जो कि एक वैकेंसी के आधार पर काम की तलाश में नवाबों की हवेली जा पहुंचती है, जहां उसे घर की मुखिया बड़ी सरकार की सहायिका का काम मिलता है। बड़ी सरकार के बेटे अजहर नवाब के नवाबी अहम और एमन बीबी के आत्मसम्मान की टकराहट की ये कहानी, जो नोक झोंक से शुरू होकर सच्चे प्यार में बदल जाती है। यह कहानी और इसके किरदार दर्शकों के दिलो दिमाग पर कुछ इस कदर छाए कि कभी उतरे ही नहीं। कहानी में इन किरदारों के अलावा कुछ अन्य किरदार भी थे, जिनकी अपनी अपनी कहानियां भी साथ साथ चलती रहती थी, जो धारावाहिक को सशक्त बनाए रखने के साथ दर्शकों को भी बाधे रखने का काम करती थी। बात करते हैं इन किरदारों को अपने दमदार अभिनय से जीवंत कर देने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियों की। इस धारावाहिक में जहां फिल्मी दुनिया के जाने माने अभिनेता नवीन निश्चल नजर आए, तो साथ ही मुख्य किरदार अजहर नवाब के किरदार में जाने माने अभिनेता कमलजीत की भी इस धारावाहिक से एक मुकम्मल पहचान बनी। हालांकि उनकी शुरुआत फिल्मों के साथ साथ धारावाहिक बुनियाद के जरिए पहले से हो चुकी थी। अन्य किरदारों में अभिनेत्री कल्पना अय्यर और साथ ही साथ दूरदर्शन की जानी मानी दमदार अभिनेत्री विनीता मलिक भी नजर आई। इन तमाम कलाकारों के दमदार अभिनय की वजह से उस वक्त यह धारावाहिक सफलता के शिखर पर पहुंच गया। दोस्तों, सभी नामों से तो आप सभी भलीभांति परिचित हैं, इसलिए हम आज इन नामों के बजाय धारावाहिक के उन कलाकारों पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में जानने को आज भी लोग उत्सुक रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस धारावाहिक के मुख्य किरदार एमन बीबी के रूप में पहली बार नजर आई अभिनेत्री दीपिका अमीन जी की। धारावाहिक में उनके अभिनय को हर किसी ने पसंद किया। उनकी सादगी और मासूमियत ने उस दौर के नौजवानों को अपना दीवाना ही बना लिया। मुंबई के एक मराठी परिवार में जन्मी दीपिका का पालन पोषण दिल्ली में कला और साहित्य के माहौल में हुआ था। उनके पिता उल्लास देशपांडे भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल थे। उनके दादा आत्माराम रवि जी देशपांडे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत मराठी साहित्य के लेखक थे। दादी कुसुमावती देशपांडे भी साहित्य के क्षेत्र से ही जुड़ी हुई थी। साथ ही साथ वो नागपुर में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी थी। उनकी माँ क्षमा देशपांडे एक कथक नृत्यांगना थी। बचपन से ही रंगमंच की शौकीन दीपिका ने दिल्ली में होने वाले ढेरों नाटकों को देख लिया था। उस दौरान अपने स्कूल में होने वाले नाटकों में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर दिल्ली के ही लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद दीपिका दिल्ली के सुप्रसिद्ध नाट्य निर्देशक बैरी जॉन के ग्रुप से जुड़ गयी। बैरी जॉन जिन्हें शाहरुख खान और मनोज वाजपेयी जैसे अभिनेताओं के शिक्षक के रूप में भी लोग जानते हैं। दीपिका ने उनके द्वारा निर्देशित कई नाटकों में भी अभिनय किया और बाद में मशहूर रंगकर्मी ललित दुबे के थिएटर ग्रुप से जुड़ गईं। दोस्तों, दीपिका ने शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण लिया हुआ है तथा वो गिटार बजाने में भी माहिर हैं। टीवी पर उन्हें पहला मौका मिला धारावाहिक फरमान के जरिए। साथ ही वो मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल के धारावाहिक अमरावती की कथाएं में भी नजर आई। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत दीपिका देशपांडे नाम से की थी। जुनून, सियासत, संविधान और टशन इश्क जैसे कई और धारावाहिकों में सशक्त भूमिकाएं निभाने के साथ वो कुछ फिल्मों में भी नजर आई, जिनमें 1995 में प्रदर्शित अब इंसाफ होगा प्रमुख हैं। बाद में उन्होंने वेल्डन अब्बा, रज्जो, बेवकूफियां, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, फैन और मर्दानी 2 सहित ढेरों फिल्मों में काम किया।
बतौर चरित्र अभिनेत्री दीपिका अमीन आज बॉलीवुड का एक सफल नाम है। वे रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों के साथ साथ विज्ञापनों और वेब शोज में भी सक्रिय हैं। इस धारावाहिक के दूसरे सबसे चहेते किरदार का नाम है बशरत नवाब। बेहद हंसमुख, जिंदा दिल और मजाकिया, लेकिन एक तरफा मोहब्बत और प्यार में चोट खाए इस किरदार को अपने दमदार अभिनय से जीवंत कर देने वाले अभिनेता का नाम है राजा बुंदेला। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक रजवाड़े परिवार में जन्मे राजा बुंदेला का पूरा नाम है राजेश्वर प्रताप सिंह जुदेव बुंदेला। राजसी परिवेश में पले बढ़े राजा बुंदेला को राजसी माहौल कभी रास नहीं आया। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दोस्त के कहने पर दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD में दाखिले के लिए आवेदन किया, लेकिन यह बात जब उनके घर वालों को पता चली तो वो काफी नाराज हुए। यहाँ तक कि NSD से बुलावे के लिए आई उनकी चिट्ठी को भी उनके पिता ने फाड़ कर फेंक दिया। किसी तरह जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे किसी को बिना कुछ बताए घर से भागकर दिल्ली आ गए, जहाँ उन्हें NSD में एडमिशन तो मिल गया लेकिन लेट एडमिशन की वजह से उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई। बहरहाल उन्होंने एक रिश्तेदार के यहाँ रहकर अपनी NSD की पढ़ाई शुरू कर दी। किसी तरह से दिल्ली की सड़कों पर पैदल चलकर NSD तक का यह सफर चल ही रहा था कि एक दिन उस रिश्तेदार का दिल्ली से तबादले का आदेश आ गया, जिनके यहाँ राजा बुंदेला का ठिकाना हुआ करता था। मरता क्या न करता, हार कर उन्होंने अपने एक शिक्षक को इस मजबूरी के बारे में बता दिया। उनके आंसुओं को देखकर उनके शिक्षक का दिल पसीज गया और उन्हें एक विशेष स्कॉलरशिप के अंतर्गत उनके रहने खाने का इंतजाम NSD में ही करवा दिया गया। NSD से पढ़ाई पूरी करने के बाद राजा बुंदेला ने मुंबई का रुख किया, जहां उन्होंने ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ रंगमंच पर काम करना शुरू कर दिया। उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई वर्ष 1982 में प्रदर्शित हिंदी फिल्म विजेता और ब्रजभाषा में बनी सफल फिल्म ब्रजभूमि से। ढेरों फिल्मों में सकारात्मक, नकारात्मक और कॉमेडियन के किरदारों को निभाने के साथ साथ धारावाहिक फरमान के जरिए उन्होंने टेलीविजन पर भी काम करना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने कुछ धारावाहिकों जैसे तारा, बाइबल की कहानियाँ और मुझे चांद चाहिए जैसे कई अन्य धारावाहिकों में भी काम किया। वर्ष 2002 से राजा बुंदेला ने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्देशन और निर्माण का काम भी शुरू कर दिया। उनके द्वारा बनाई गई पहली फिल्म प्रथा थी, जो काफी विवादित भी हुई थी। दोस्तों, राजा बुंदेला एक प्रसिद्ध राजनेता भी हैं। बात करें उनके निजी जीवन की तो राजा बुंदेला की पत्नी सुष्मिता मुखर्जी भी रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों की एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित जासूसी धारावाहिक करमचंद में किटी की भूमिका के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। राजा बुंदेला और सुष्मिता मुखर्जी के दो बेटे हैं, रुद्रांशु बुंदेला और रुद्रानुज बुंदेला। उनका बड़ा बेटा विज्ञापन के क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि छोटा बेटा न्यूजीलैंड से PhD कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं इस धारावाहिक के एक और कलाकार की, जिनके बारे में लोग जानते हुए भी कम ही जानते होंगे। धारावाहिक में शाहना का किरदार निभाने वाले अभिनेत्री नेहा शरद जी के बारे में कम लोगों को ही पता होगा कि वो मशहूर कवि, लेखक और व्यंग्यकार पद्मश्री शरद जोशी जी की बेटी हैं। क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आँच नहीं, गोधुली और उत्सव जैसी फिल्में लिखने के अलावा शरद जोशी ने टेलीविजन के लिए ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन 32, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के और ये दुनिया गजब की आदि ढेरों धारावाहिक भी लिखे थे। नेहा शरद की माँ इरफाना सिद्दीकी भोपाल की जानी मानी रंगमंच कलाकार रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मी नेहा की प्रारंभिक शिक्षा भोपाल में ही हुई। बाद में फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में बतौर लेखक जब उनके पिता सफल हो गए तो उन्होंने नेहा को भी मुंबई बुला लिया, जहां पहुंचकर उनका झुकाव भी धारावाहिकों में अभिनय की तरफ होने लगा। दोस्तों, रंगमंच पर सक्रिय होने के साथ साथ नेहा शरद ने धारावाहिक फरमान के अलावा टेलीविजन के ढेरों धारावाहिकों में काम किया है, जिनमें तारा, गुमराह, घरौंदा, द्रौपदी, राणा प्रताप, अधिकार और सारथी आदि प्रमुख हैं। नेहा शरद जी के पति भूषण जीवन भी एक अभिनेता हैं, जो कि लेजेंडरी एक्टर जीवन जी के बेटे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।